नमस्कार, इंडिया साइंस लेकर आया है आपके लिए एक बिल्कुल नया कार्यक्रम जिसका नाम है साइटेक और मैं हूं शहनाज रजा। हमारी कोशिश होगी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विज्ञान और तकनीक के और करीब ला पाएं, विज्ञान की बारीकियों को इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि आप खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस करें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। मानव सभ्यता की यात्रा में पुल एक बेहद अहम हिस्सा रहा है। कभी पेड़ के तने और बांस जैसी चीजों से संकरी नदियों और नालों को पाटकर बनाया जाने वाला पुल आज विज्ञान और तकनीक के सहारे दुर्गम से दुर्गम इलाकों को जोड़ने का माध्यम है। कश्मीर घाटी में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब रेलवे ब्रिज इंजीनियरिंग का एक ऐसा ही नायाब नमूना है। आइए देखते हैं कैसे। भारतीय रेल द्वारा बनाया जा रहा चिनाब ब्रिज कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा। इसका निर्माण कार्य 2021 तक पूरा हो जाने की संभावना है। देश के एक दुर्गम इलाके में बन रहा यह पुल कश्मीर में उधमपुर से बारामूला तक के 271 किलोमीटर रेलवे रूट का एक हिस्सा होगा। इसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। चीन के सबसे ऊंचे पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ता ये पुल 1315 मीटर लंबा है। ब्रिज की लंबाई में उत्तर की तरफ 650 मीटर लंबा वायाडक्ट है। आर्क यानी मेहराब की लंबाई 480 मीटर है। नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। नदी सतह से ऊंचाई 322 मीटर है। चिनाब ब्रिज इंजीनियरिंग की कई चुनौतियों से भरा है। कटरा से बानीहाल का 111 किलोमीटर लंबा बिहड हिस्सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ये पुल कुछ हिस्सों में सीधा है तो कुछ हिस्सों में आर्क शेप्ड यानी मेहराब के आकार का है। मेहराब आकार का पुल भारतीय रेलवे में पहली बार निर्मित किया जा रहा है। चिनाब ब्रिज की खास संरचना में कुछ खास मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। डेक सुपरस्ट्रक्चर के निर्माण के लिए E250C ग्रेड के उच्च गुणवत्ता का स्टील उपयोग में लाया जा रहा है। इस ग्रेड के स्टील में शून्य से नीचे के तापमान पर विशेष कठोरता होती है जिससे ये अत्यंत ठंडे वातावरण में पर्याप्त डक्टाइल यानी कोमल बना रहता है। वहीं मेहराब के निर्माण में जेट ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्र में हिमालय की कमजोर क्षतिग्रस्त और जुड़ी हुई चट्टाने हैं। चट्टानों के जोड़ों के बीच दरारों को भरने के लिए फाउंडेशन एरिया को नींव डालने से पहले मजबूत किया गया। मेहराब खम्बों और ढांचों के घटकों और हिस्सों को खड़ा करने के लिए दुनिया का सबसे लंबा 915 मीटर विस्तार का दो केबल क्रेन इस्तेमाल किया गया है। एक क्रेन की क्षमता 20 मिलियन टन वजन उठाने की है। ये ब्रिज सर्वोच्च सेस्मिक जोन यानी जोन 5 में आने वाले भूकंप की तीव्रता को झेल सकता है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति झेल सकता है। ये हवा की 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को झेल सकता है। ये विश्व में सातवां सबसे बड़ा मेहराब आकार का पुल है। फ्रांस के आईफिल टावर से ऊंचे चिनाब ब्रिज की उम्र 120 साल आंकी गई है। तकनीक और इंजीनियरिंग के लिहाज से नायाब इस पुल के निर्माण से धरती का स्वर्ग देश के अन्य हिस्सों के और करीब आ जाएगा। अगर आपने गणित की पढ़ाई की होगी तो आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति अच्छे से याद होगी, जिसमें किसी भी पेड़ को बिना नापे उसकी ऊंचाई का पता लगाया जाता है। ठीक उसी तरह वनस्पति विज्ञान में ट्री रिंग्स यानी पेड़ में मौजूद छल्लों के जरिए हम पेड़ों की उम्र का पता लगा सकते हैं। हाल ही में प्रकाशित हुई एक पुस्तक द ट्री स्टोरी में बताया गया है कि पेड़ों के छल्लों से न सिर्फ उनकी उम्र बल्कि कुछ और प्राचीन जानकारियों का भी पता लगाया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। जब भी हम किसी पुराने घने और विशालकाय पेड़ को देखते हैं तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि इस पेड़ की उम्र क्या होगी, इसे कब लगाया गया होगा। इन सवालों का जवाब देते हैं पेड़ों में मौजूद रिंग्स यानी कि छल्ले, जो साल दर साल पेड़ों में विकसित होते हैं। इन्हें एनुअल रिंग या फिर वार्षिक वलय कहते हैं। ज्यादातर पेड़ हर साल दो तरह के छल्ले बनाते हैं। इसमें पतली पट्टी फ्लोएम और मोटी पट्टी जाइलम की होती है। दुनिया भर में मौजूद विभिन्न पेड़ों की प्रजातियों और इनमें मौजूद छल्लों के डेटाबेस के आधार पर वैज्ञानिक प्राचीन जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ तक कि सभ्यता का भी पता लगा सकते हैं। स्प्रिंग
या अर्ली समर्स जो होते हैं तो वो तेजी से ग्रो करता है ट्री, और इसीलिए उस टाइम पर जो वुड बनती है वो लाइट कलर की बनती है और एक ज्यादा वुड बनती है। लेकिन जैसे जैसे फॉल यानी ऑटम आता है और विंटर्स में जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, तो जो उस टाइम की वुड बनती है वो डार्क कलर की बनेगी और थोड़ी पतली बनेगी यानी कम बनेगी क्योंकि ग्रोथ कम होती है उस वक्त, तो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दैट रिंग। वर्षों तक किए गए एक ऐसे ही अध्ययन को डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजिस्ट वैलरी ट्रुएट ने एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है जिसका नाम है द ट्री स्टोरी। वैलरी ट्रुएट टक्सन में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना लेबोरेटरी ऑफ ट्री रिंग रिसर्च में कार्यरत है। उन्होंने ट्री रिंग्स के द्वारा प्राचीन जलवायु को जानने की कोशिश की है। उन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि किस तरह से ट्री रिंग्स प्राचीन जानकारियों को दर्शाते हैं, जैसे कि मोटे छल्लों से ये पता चलता है कि उस वर्ष बारिश हुई होगी, ठीक उसी तरह पतले छल्ले सूखे को दर्शाते हैं। यहाँ तक कि जंगल में लगी आग भी छल्लों पर निशान छोड़ जाती है। पेड़ जहाँ ग्रो कर रहा है वो किस तरह से ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ स्लो होगी या नहीं होगी या होगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी उसके आसपास की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो। तो पास्ट में उस ट्री पे क्या क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो रहा है वो हम उन रिंग्स को देख के पता लगा सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि हम पास्ट क्लाइमेट जो है पेड़ों की रिंग्स को देख के पता लगाते हैं। पेड़ों के छल्लों ने मानव इतिहास में अन्य महत्वपूर्ण क्षणों को भी दर्ज किया हुआ है, जैसे 1211 से 1225 के बीच के गीले अधिक वर्षा वाले वर्षों में मध्य एशिया में बड़ी घासें उगी, इससे मंगोल साम्राज्य के विस्तार की भी कड़ी जुड़ी हुई है। 1986 में हुए चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना ने देवदार पेड़ों की लकड़ियों की कोशिकाओं पर अपनी छाप छोड़ी। उत्तरी अफ्रीका में मध्ययुगीन सूखे की अवधि जो बड़े पैमाने पर मौसम के पैटर्न से जुड़ी हुई है, जिसे उत्तरी अटलांटिक के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, 1000 वर्षों से जुटाए गए ट्री रिंग डेटा द्वारा वैज्ञानिकों ने हालिया जलवायु इतिहास के पुनर्निर्माण और पिछली शताब्दी में हुए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता लगाने में मदद ली है। तो इस तरह से पेड़ अपनी उम्र के साथ साथ हमारी प्रकृति के अहम दस्तावेजों को अपने छल्लों में समेटते जा रहे हैं, जो भविष्य के कुछ और महत्वपूर्ण शोधों को नया रास्ता देंगे। हर साल बारिश के मौसम में उत्पात मचाने वाले डेंगू बुखार के इलाज के लिए फिलहाल कोई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उम्मीद जगाता है दिल्ली स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी यानी ICGEB के वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन खन्ना का ये शोध, जो डेंगू के इलाज के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आइए देखते हैं। डेंगू मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जिसमें गंभीर फ्लू जैसे लक्षण आते हैं। डेंगू वायरस यानी कि डेन के चार सेरोटाइप डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 होते हैं, जो फ्लैवी वायरस जीन्स के हैं। ये सेरोटाइप चार तरह के डेंगू बुखार के लिए जिम्मेदार होते हैं। ICGEB में डेंगू दवा पर जारी शोध में ये कोशिश है कि एक ही दवा इन चारों डेंगू बुखार के लिए कारगर हो। ये शोध आयुर्वेद के ज्ञान और बायोएसे अप्रोच पर आधारित है। हमारे पास डेंगू के बहुत सारे बायोएसेस थे। हमारे पास लैब में हम बता सकते थे कि अगर आप कोई चीज़ लेके आते हैं तो हम बता सकते थे कि डेंगू वायरस को ये चीज़ मारेगी कि नहीं मारेगी, लेकिन हमारे पास आयुर्वेदा का ज्ञान नहीं था। जो रेनबैक्सी की जो टीम थी उनके पास आयुर्वेदा का ज्ञान था, तो हम दोनों ने मिलकर, जिसमें सरकार ने DBT ने सपोर्ट किया, हम दोनों ने मिलकर आयुर्वेदा बेस्ड बायोएसे गाइडेड अप्रोच लगाकर हमने ये देखना शुरू किया कि इसमें से कौन सा प्लांट ऐसा है, कौन सा एक्सट्रैक्ट ऐसा है जो डेंगू 1, 2, 3, 4, क्योंकि चार वायरस होते हैं डेंगू की, जो सबको मारे और सेफ भी हो। आखिरकार एक ऐसे पादप अर्क की खोज कर ली गई है। सीसम पेलोस परेरा नामक पौधे से निकाले गए इस अर्क में प्राकृतिक तौर पर डेंगू रोधी गुण पाए गए हैं। इससे टैबलेट तैयार कर वैज्ञानिक तौर पर पता लगाया जा चुका है कि इसमें कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं
जो वायरस को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेफ्टी ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सफल रहे तो अगले 2 सालों में ये आयुष के तहत बाजार में उपलब्ध होगा। भारत की सबसे पहली बोटेनिकल ड्रग होगी जो आयुर्वेदा बेस्ड होगी, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होगा उसका, साइंटिफिक लॉजिक होगा और मेडिकली टेस्टेड होगी इन हॉस्पिटल। इस दवा का विकास आयुष दिशा निर्देशों के तहत किया जा रहा है। उम्मीद है ये दवा डेंगू के खिलाफ रामबाण साबित होगी। उम्मीद है आज का ये साइटेक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके द्वारा सुझाए गए किसी विषय को अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो इसके बारे में भी हमें लिखना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे साइटेक के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।